हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अबी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर सेवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंटेक्स सॉल्यूशन देखेंगे पहले देखते हैं हम पेज नंबर 119 के क्वेश्चन है पहला की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे कि गर्म चीज़ पर हाथ पड़ा आपने हाथ हटा लिया वो रिफ्लेक्स एक्शन है और आप चल रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग फॉर एग्जाम्पल वेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आर आई वी इमीडिएटली क्लोज इट तो एकदम से अगर बहुत तेज आपकी आंखों पर रोशनी पड़े हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता विदाउट थिंकिंग स्पॉन्टेनियस झटके से वो खुद ही हम काम कर लेते हैं वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इज अ वॉलेंट्री एक्शन अपनी मर्जी से करते हैं हम इट इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग अ वॉलेंट्री एक्शन इज अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल हमारी मर्जी पर है ये वॉलेंट्री एक्शन हमारा मिड ब्रेन हिंड ब्रेन उसमें हम लोग एक्ट करते हैं हमारे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन टू है व्हाट हेपन्स एट दाइनएस बिटवीन टू न्यूरॉन्स तो दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है तो साइनअप इज़ अ स्मॉल गैप दैट अकर बिटवीन द एगजॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंट्रियाइट ऑफ द अदर एक एग्जॉन और डेंड्राइट इनके बीच में साइनेप्स होता है इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स एक मतलब सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स अकर एज द केमिकल्स आर प्रोड्यूस इन ओनली वन साइड ऑफ द न्यूरो द एग्जॉन साइड फ्रॉम वन एग्जॉन द इम्पल्स ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरोन तो सिग्नल्स को नर्व विम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम जो है साइनेप करता है ट्रांसफर करता है इम्पल्स को की, की प्रोड्यूस होते हैं तो एक्जॉन से जो इम्स ट्रैवल करता है साइनेप्स में, और फिर डेंडिया अदर न्यूरोन की तरफ को, को ट्रांसफर होता है पिच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंस पोस्र एंडियम तो पोस्टर हम लोग कैसे खड़े हो रहे हैं यह सब कौन सा पार्ट ब्रेन का मैनेज uh, करता है सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन्टेनिंग पोस्टर एंड इक्वलब्रेन हम लोग सही तरीके से खड़े हो पाए हमारी बॉडी बैलेंस रही है सेरिबिलम सेरिबेलम का काम होता है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती अगरबत्ती की स्मेल कैसे हम लोग कर पाते हैं महसूस आर ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स ये इंपॉर्टेंट है मिड ब्रेन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन द फोर ब्रेन इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन तो फोर ब्रेन जो है वो सोचने का काम करता है इट हैज सेपरेट एरियाज स्पेशाइज फॉर हियरिंग स्मेलिंग साइट टच स्मेल तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारा जो है हम फोर ब्रेन से उसको फील कर पाते हैं चीज़ों को फोर ब्रेन हैज़ ऑल्सो हैज़ रीजनस दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन और इंपल्सिज फ्राम वेरियस रिसेप्टर्स फोर ब्रेन जो है वो अलग अलग रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है वेन द स्मेल ऑफ द इन सेंस स्टिक रीचेजस अगर बत्ती की स्मेल आती है तो और फैक्ट्री रिसेप्टर जो कि हमारी नाक में होता है ठीक है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है और रिसेप्टर लोकेटेड इन आर फोर ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है देन द फोर ब्रेन इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग इट टुगेदर एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्राम अदर रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो विद इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर इन द ब्रेन फिर बड़ी सारी जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग हो जाती है कि अच्छा ये थी ये वाली स्मेल जब पहले आई थी तो ऐसा था तो अच्छा ये, ये वाली अगर पत्ती थी तो हम लोग समझ जाते हैं सारा का सारा दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है और ये सब होता है फोर ब्रेन में फोर ब्रेन हमारा सुनने का सूँघने का टच करने का हर चीज़ की जो फीलिंग होती है वो हमें फोर ब्रेन से आती है वट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग का क्या काम होता है रिफ्लेक्स इज अडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग नहीं होती है इन रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाई सेंसरी नर्व एंड दैट कैरी द इम्पर्स टू द स्पाइनल कार्ड वेयर इट इज इंटरप्रिटेड एंड रिस्पॉन्स सेंड बैक टू द मोटर न्यूरोन तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती स्टिमुलस जो भी हम चीज़ है वो डिटेक्ट होता है हमारी नर्व के थ्रू और उसको स्पाइनल कार्ड के थ्रू हम लोग भेज देते हैं पाथवे फॉलोड

प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज़ इन द प्लांट बॉडी एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड अदर साइकोलॉज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस तो प्लांट हॉर्मोन जो होते हैं वो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं बहुत ही कम क्वान्टिटी में होते हैं और प्लांट में जो भी काम हो रहे होते हैं जो भी वो ग्रोथ है या या लाइट की तरफ वो झुक रहा है तो ये सारे के सारे काम प्लांट हॉर्मोन ही करते हैं फाइव मेजर टाइप ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं ऑक्सिन डिब्रेन साइटोक्रेन एसिड एंड इथाइलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले जो हॉमोन्नी याद रखना आप इनके फंक्शंस पे आ जाते हैं एग्जाम में हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट तो लीव का मूवमेंट और जड़ का मूवमेंट कैसे अलग है तो मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट जैसे कि मिमीओसा या फिर टचमीन और प्लांट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू तो टच और कॉन्टैक्ट जो टच वाला होता है ना छुई मुई उसको हम हाँ टच की वजह से होता है आप छूते हो तो वो मुरझा जा जाती है हेयर टच और कॉन्टैक्ट एक्ट एज अ तो आपका छूना स्टिमुल है और वो मुरझा गई दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ही ग्रोथ पर तो डिपेंड नहीं करती है ना और बाकी जो द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रोफिजम दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्शनल एंड इज ग्रोथ डिपेंडेंट तो भाई जो रूट मूव कर रही है या रूट की ग्रोथ हो रही है या फिर शूट की तने की ग्रोथ हो रही है रूट शूट की ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है है ना रूट लाइट पे डिपेंड नहीं करती है मगर जो शूट है यानी कि जो तना है वो लाइट की तरफ को मूव करता है मगर ये छू मूए का प्लांट है लाइट वाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आप उसको छू रहे हैं ना तो वो मुरझा जा रहा है तो वो स्टिबलाई पर एक्ट कर रहा है और जो ये आ, ये वाला जो प्लांट की ग्रोथ है ये फोटोटॉफिजम पे एक्ट कर रही है तो दोनों अलग अलग हैं एक स्टुमलाए पर एक फोटोटॉफिजम पे वट इज़ द एग्जाम्पल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट होमोन दैट प्रोमोट ग्रोथ तो ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है ऑक्सीजन होमोन नेक्स्ट हाउ डू ऑक्सीजन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडरल एंड अराउंड अ सपोर्ट तो ऑक्सीजन कैसे जो टेंडरल सपोर्ट के अराउंड जो जो तनिया वनिया जैसे घूम जाती है ना उस पर कैसे हेल्प करता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज सिंथिसाइज एट द शूट टिप इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर वैन आर टेंड्रल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट ऑक्सीजन स्टिमुलेट फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल ऑन द ऑपोजिट साइड सो दट द टेंड्रल कॉइल्स अराउंड द सपोर्ट सपोर्ट है इसके जैसे सपोर्ट जैसे डंडी वंडी लगा देते हैं उसके अराउंड जो है ऐसे ऐसे करके मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के पूरी है ना तना वना के अराउंड ये जो होती हैं बेल वगैरह है ना जैसे तुरई की बेल लौकी की बेल चढ़ जाती है ना क्योंकि सपोर्ट जब आ जाता है ना तो उनका मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट होता है सेल ग्रोथ फास्ट हो जाती है तो, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है ऊपर बढ़ने के लिए इजी हो जाता है तो सेल की ग्रोथ भी फास्ट कर देता है ऑक्सीजन हॉमपोन उस समय पर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोफिज्म यानी कि पानी की तरफ को मूवमेंट जो है उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है एम है एक्सपेरिमेंट का टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोफिज्म मेथड क्या है प्लांट जर्मिनेटिंग सीड्स इन मॉइस्ट सॉडस्ट और कॉटन कंटेंट इन अ सीफ और अ मेशवायर तो क्या है एट फर्स्ट रेडिकल्स अपियर एंड दे ग्रो डाउनवर्स टू वर्ड्स द ग्रेविटी आफ्टर सम टाइम द रेडिकल्स अगेन बेंड बैक एंड मूव टूवर्ड्स द सीफ कंटेनिंग सोडस्ट और कॉटन कंक्लूजन है कि रूट शो बोथ हाइड्रोट्रॉफिक एज वेल एज जियोट्रॉफिक रिस्पॉन्स द हाइड्रोट्रॉफिक रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉगर देन जियोट्रॉफिक रिस्पॉन्स मतलब जो देखो जड़े होते हैं ना पेड़ की वो पानी की तरफ को मूव करते हैं क्योंकि जहाँ पानी होता है उस तरफ को वो मूव कर रही है और मिट्टी की तरफ को या फिर वो ग्राविटी की वजह से इतना ज़्यादा मूव नहीं करती जितना वो पानी की तरफ को अगर आप जड़े रखे जड़े हैं ठीक है किसी पेड़ की वो पानी उससे दूसरी तरफ है तो जड़े ना पानी की तरफ को मूव करने लगेंगी तो यही हाइड्रोटोफिज़म का एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है वन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेन साइंस की बुक का चैप्टर सेवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव इंडेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं पहला है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हॉमोन तो एनिमल्स में इंसानों में हॉमोस की वजह से कोऑर्डिनेशन होती है हॉमोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं सॉरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जैसे कि बढ़ना ग्रोथ होना है ना ये सब हॉमोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंट्स दे फोर द केमिकल कॉर्डिनेशन इन एनिमल्स हेल्प टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम तो केमिकल जो कॉर्डिनेशन होती है ना वो हमारी बॉडी में ह्यूम एनिमल्स की बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होती है तो जो केमिकल कॉर्डिनेशन है एनिमल्स में वो हार्मोन्स की वजह से होता है हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं हमारे प्रोसेसिस के लिए अलग अलग प्रोसेस जो बॉडी में चल रहे हैं हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो केमिकल कॉर्डिनेशन जो केमिकल एनिमल में होता है जानवरों में इंसानों में वो एंडोक्राइन सिस्टम से होता है इंपॉर्टेंट वाई इज़ द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल आयोडीन वाला सॉल्ट क्यों खाना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइज फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंट हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन कर पा करता है अगर हम आयोडीन वाला सॉल्ट खाते हैं आयोडीन स्टिमुलेट्स द थायरॉयड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सीन हॉमोन तो आयोडीन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन वो जनरेट करें इट आल्सो रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आर बॉडी तो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर पाता है डिफिशेंसी ऑफ द हॉर्मोन रिजल्ट इन द एनवाइलमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड इट इज़ कॉल्ड गोइटर विच इज करेक्टराइज बाय सोलन नेक तो गोइटर की बीमारी भी हो जाती है अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में और काफी मतलब हमारे हार्मोनल डिस्बेलेंस भी हो सकता है इसलिए आयोडीन खाना इंपॉर्टेंट होता है हाउ डज अर बॉडी रिस्पॉन्ड वेन एड्रोलिन इज सक्रेटेड टू द ब्लड जब एड्रेनोलिन सक्रीट होता है ब्लड में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है तो एड्रेनिन इज अ हार्मोन सक्रीटेड बाई एड्रीनल ग्लैंड तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रनोलिन को सक्रीट करता है इट इज ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन इट इज प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू फाइट फ्लाइट एंड फियर तो एड्रोलिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्रांड सेक्रेट करता है इमरजेंसी वाला हार्मोन है जब हम लोग को डर लग रहा होता है या लड़ रहे होते हैं तब ये वाला हार्मोन सेक्रेट होता है व्हेन सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स इट स्पीड अप हार्ट बीट एंड इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑल दीज रिस्पांस अनेबल द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और एमरजेंसी तो जब ये जो एड्रोन हार्मोन हमारी बॉडी में सेक्रेट हो जाता है हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है ब्रीदिंग रेट ब्लड ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाता है इससे हम लोग एमरजेंसी या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में हम एक्ट कर पाते हैं अगर ये हमारा हार्मोन होता है हार्मोन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन तो कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं इन डायबिटीज शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस डायबिटीज में जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज कर जाता है इंसुलिन इज अ हॉर्मोन सेक्रिएटेड बाई द पेनक्रियाज दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज जो है सक्रीट करती हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल सही रहे सो डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन तो इंसुलिन देते हैं देखिए वैसे तो नेचुरली तो पेनक्रियाज अपने आप ही इंसुलिन हार्मोन बना लेती हैं बट जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये अच्छे से पेनक्रियाज ये हॉमोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो तो ये इंडेक्स क्वेश्चन थे वो फुल पसंद आया होगा आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू